कोटा में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में निर्णय देते हुए आरोपी मनोज को 14 वर्ष का कठोर कारावास और 28,000 रुपए जुर्माना, आरोपी जुगराज को 5 साल का कठोर कारावास 13,000 रुपए जुर्माना, आरोपी पप्पू को 5 साल का कठोर कारावास और 14,000 रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया है। फरियादी ने फरवरी 2018 को पुलिस थाना सांगोद में एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी। पुलिस ने रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर मेडिकल मुआयना और बयानात कराए। इसके बाद आरोपी मनोज, जुगराज, पप्पू के साथ दो अन्य के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया था। न्यायालय में मामले में निर्णय देते हुए दो जनों को संदेह के लाभ में बरी कर दिया, जबकि अन्य तीन आरोपियों मनोज, जुगराज और पप्पू को सजा सुनाई।